हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक वे सॉल्यूशन में। आज हम आपको जैसे अपने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आवेदन किया है तो किस तरह से चेक करेंगे आपका आवेदन सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ। जैसे आप कहीं गए पंचायत या नगर पालिका या वार्ड में, वहाँ से आपको रिसिप्ट नहीं दी गई और बोला कि आपका आवेदन हो गया है, तो आप किस तरह से चेक करेंगे वो तरीका हम आपको सिखाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। हम यहाँ पर कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर डालते हैं cmladlibehna.mp.gov.in और एंटर कर देते हैं तो कुछ हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आवेदन की स्थिति लिखी हुई है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें न्यू टैब में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको या तो पंजीकरण नंबर डालना है या फिर आपकी समग्र आईडी, जो सदस्य आईडी है, वो आपको प्रविष्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चर कोड इनपुट करना है और खोजे पर क्लिक करना है। यदि आपके पास आवेदन क्रमांक रिसीव नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर सदस्य आईडी डालकर भी काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर हमने समग्र आईडी इनपुट कर दी गई है। अब हम कैप्चर कोड डालते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कैप्चर कोड डालने के पश्चात खोजे पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। थोड़ा सा समय लगता है। अब आप देखेंगे तो हमको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका आवेदन हो चुका है और यहाँ पर पावती के ऊपर व्यू लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ हमें न्यू टैब में एक और पेज हमारा ओपन होता है और वहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आवेदन की रिसिप्ट है, यानी आपका आवेदन हो चुका है। इसको हम डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल कर भी रख लेते हैं। साथ ही साथ हम इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है समग्र में KYC की स्थिति हाँ है, बैंक में आधार लिंकिंग की स्थिति हाँ है और DBT में सक्रिय होने की स्थिति भी हाँ है। यानी अगर आपके समग्र KYC की स्थिति हाँ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आवेदन जो आधार लिंक और DBT सक्रिय होने की स्थिति 6 दिन के भीतर आपको सक्रिय करना अनिवार्य है, अन्यथा आपका फॉर्म जो है वो रद्द हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। हमने आवेदन की स्थिति जानी, किस तरह से हम आवेदन की स्थिति चेक करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।